बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए समीना भाजी आज एक नई रेसिपी लेकर आई है रमज़ान के लिए। ये मैदा है, दो बड़े चम्मच मैंने लिए, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, सुरख मिर्चें डाली हैं और अब मैं इसमें थोड़े से डालूँगी या मिर्च थोड़ी सी पीसी हुई, ये मैंने डाल ली है। और अब आप देखिए इसके डाल के इसमें हम पानी डाल के थोड़ा सा इसका जैसे होता है ना पतला सा लई टाइप चीज़ तैयार कर लेंगे और इसको ज़रा मिक्स कर ले अच्छे तरीके से। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है मैं जो चीज़ बना रही हूँ, आप बिल्कुल हल्की फुल्की, लेकिन रमज़ान में जब आप रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें खाएंगे तो हल्का भी महसूस करेंगे और बच्चे यानी पेट भी भर लेंगे। ये देखिए मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं, चार से पाँच आलू उबाल के रखे हुए हैं और इसमें मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें, सूखी मेथी, पीसी हुई लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला ज़रूर डालें इसमें। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें और ये है केचप और मेयोनीज़ है, मैं इसको भी शामिल करने लगी हूँ इसके अंदर। चटपटा मज़ेदार बड़ी प्यारी रेसिपी हम जनाब मुख्तलिफ तरह की बनाते हैं। ये कचौरी है, आप इसे इस्तेमाल करें और सोया सॉस थोड़ा सा मैंने डाल दिया। अब हमें ज़रा हाथ से ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। देखिए मैंने रोटी बेल के रखी हुई है ज़रा बड़े साइज़ की। अब ये जो मेरे पास आलू थे मैं अब इसको इसके ऊपर, इसमें मैंने याद रखिएगा चटनी भी डाल दी है मैंने इसमें, सोया सॉस और केचप ये भी डाल दिया है चटपटा कराने करने के लिए और चाट मसाला भी ऐड किया मैंने। तो अच्छे तरीके से फैला लेते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से रोल करते जाएंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते लेके जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो हो रही है लेकिन मैंने इधर ज़्यादा मैदा नहीं डाला था। मैंने डाल दिया क्योंकि ज़रा मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, इस दौरान अज़ान हो गई थी तो मैंने कहा अब इसको बाद में हम करेंगे। मैंने इसको बेल के रखा तो इतनी देर में थोड़ी सी चिपक गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे फोल्ड करते जा रहे हैं। ये देखिए इधर लंबी रोटी बनी है। अब हम इसको ऐसा करेंगे, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काटते जाएंगे और बिस्मिल्लाह तकरीबन एक एक इंच की हमने काट लेना है इसको, जो रोटी हमने फोल्ड की थी। ये देखिए मैंने इसको काट लिया। अब हम इसको ऐसे करते हैं और फिर ऐसे दबा देंगे। ऐसे दबाने के बाद ये जो मेरे पास ये रखा हुआ है इसमें हम डिप करेंगे और इधर मैंने तेल कुकिंग ऑयल गर्म होने रखा हुआ है। आप देखिएगा मैं बिस्मिल्लाह ताकि मैदा जले ना, जो मैंने ऊपर इसके कवर किया है। कचौरी है मज़ेदार हल्की फुल्की, अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चें वगैरह कम डालें ताकि बच्चे वगैरह भी खा लें, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं खा सकते लेकिन चटपटे खाने का। ये देखिए मैंने इसकी साइड चेंज की है, गोल्डन कलर बड़ा प्यारा तैयार हुआ है। अभी हम दूसरी तरफ से भी लाइट फ्लेम पर ही काम करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारी कचौरियाँ ये रमज़ान में आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें रेसिपी। आपकी बाजी आपके लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला आप लोगों को रोज़ा रखने की तौफीक दे और कबूल करे। चलते चलते पाकिस्तान का नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। इसको एक को हम काट के दिखाते हैं, देखिए मज़ेदार। अभी बड़ी सख्त गर्म है लिहाजा मज़ेदार आपकी कचौरी तैयार हो गई है और